नमस्कार शर्मा जी, टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने जो है हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं कल ही, यानी कि 25 सितंबर को 10,000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। और हम उसी के उपलक्ष्य में आप सभी को जो है एक रिवॉर्ड्स पॉइंट दे रहे हैं, यानी कि रिवॉर्ड्स दे रहे हैं कुछ। और उसके लिए हमने जो है कॉम्पिटिशन पहले शुरू कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं जा करके हमारे यूट्यूब सेक्शन में। हमने लिखा है 10K रिवॉर्ड्स ऑन ओकेजन ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स, तो आप जरूर से वहां पे जाके देख सकते हैं। और हम जो है सेशन शुरू करने वाले हैं, तो हम चेक करते हैं अभी कि किन किन लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए हैं। और मैं पहले ही आपको बता दूं, जो लोग ये सेशन देखना शुरू कर दिया है और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको सबको बता देता हूँ कि आप जो है टास्क से रिलेटेड अगर कोई सवाल ऐसा है तो आप वो पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप कोई सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से जो है वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको कि आप किस तरह से जो है टास्क कर सकते हैं। उसको हमने बहुत अच्छे से उसको आपको जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो चलिए अब हम जो है आज के सवाल ले लेते हैं। और आज का जो सवाल है, मेरे हिसाब से सबसे पहला सवाल है भरत शुक्ला का। और भरत जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। वो पूछ रहे हैं कि K3 नोट में जो है वो बैक कवर लगाना इम्पोर्टेंट है, या वो पूछ रहे हैं, एक्चुअली दोबारा से बताता हूँ मैं। भरत शुक्ला पूछ रहे हैं कि जो K3 नोट का बैक कवर है उस पे स्केचेस रिमूव करने के लिए कोई, देखिए K3, भरत जी मैं आपको बोलता हूँ, K3 नोट के लिए आप जो है स्क्रीन गार्ड यूज कीजिए, जो फोन के साथ में आया आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई दूसरा स्क्रीन गार्ड ले लीजिए। और बाकी जो बैक कवर है वो भी आप ले लीजिए, क्योंकि उसका जो थोड़ा सा स्मजेज आ जाते हैं उसमें, ब्लैक कवर है तो उसमें थोड़े से जो है रिंकल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो आप जो है बैक कवर यूज कीजिए, स्क्रीन गार्ड यूज कीजिए, उससे क्या होगा थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी आपके फोन को। रवि अरोरा कहते हैं, शर्मा जी प्लीज टेल आई वांट बाय 25-27K फोन, शुड आई बाय और शुड आई वेट फॉर दिवाली। जी हाँ रवि जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका बजट जो है 25-27 हज़ार रुपए है तो आप वेट कर सकते हैं। और क्योंकि जो है ये उम्मीद है कि मोटो एक्स स्टाइल जो कि जिसकी जो कीमत है वो लगभग 26-27 हज़ार होने वाली है, तो आप बिल्कुल दिवाली के ऑफर के लिए वेट कीजिए। तो दिवाली के ऑफर में क्या होगा कि प्राइस तो कम नहीं होगा, लेकिन क्या होगा आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे कुछ 5% 10% का जो है वो ऑफर मिल जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल, अब हम जो है सितंबर के आखिर में आ गए हैं और अब सिर्फ 1 महीना ही बचा है, 10-15 दिन बचे हैं यानी कि फेस्टिवल सीजन शुरू होने के लिए, तो आप बिल्कुल जो है वो दिवाली दशहरा के आसपास जो है वो ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा आप वेट कीजिए, क्योंकि हर क्या होता है हर महीने में हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नए से नए फोन आते रहते हैं, तो आप बिल्कुल वेट कीजिए। विपिन कुमार कहते हैं कि मुझे मोटो एक्स प्ले के लिए ग्लास गार्ड लेना है, ग्लास गार्ड से मतलब है टेम्पर ग्लास लेना है। तो विपिन जी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर लीजिए, वहां पर जो भी आपको जो है जिसकी ज्यादा रेटिंग ज्यादा अच्छी मिल रही है वहां पे आप ले लीजिए। मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है एक्सेसरीज वगैरह, क्योंकि मैं बिल्कुल बिना किसी प्रोटेक्शन के यूज करता हूँ उसको, बिना स्क्रीन गार्ड या टेम्पर्ड ग्लास के, तो मैं उसको आपको ज्यादा बता नहीं सकता। लेकिन आप जाइए फ्लिपकार्ट पे, वहां पे चेक कर लीजिए और जिसकी रेटिंग अच्छी मिलती है आपको, यानी कि जो लोग अच्छा रेट करते हैं उसको आप जो है जा करके वो ले सकते हैं। सौमिक पूछते हैं कि 10,000 रुपये की रेंज में शाओमी या फिर आसूस। देखिए सौमिक, 10,000 रुपये की प्राइस में अगर आज की तारीख में मैं बात करूं तो आसूस का जो जेनफोन 2 लेजर है वो अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप महीना 1 महीना 45 दिन वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि जो शाओमी का जो रेडमी नोट 2 प्राइम और रेडमी नोट 2 आने वाले हैं वो भी 10,000 की रेंज में आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ नया लेकर आएंगे लेजर से भी, तो आप बिल्कुल उसका वेट कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद भी पसंद नहीं आएगा तो आप ज़रूर से जो है वो लेज़र ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप वेट कर सकते हैं तो। अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं सौमिक, तो आप ज़रूर से आज ही जो है लेज़र ले लीजिए, स्टॉक में आपको मिल रहा है, और अगर मेरे लिंक से लेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा मुझे मिल जाएगा। टेक टुगेदर पूछते हैं कि आप पर्सनली कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। देखिए आज की बात करूँ तो आज की बात में जो है आज मैं जो है मोटो एक्स प्ले यूज़ कर रहा हूँ, ये देख लीजिए मोटो एक्स प्ले यूज़ कर रहा हूँ मैं। और जो दूसरा फ़ोन है वो कर रहा हूँ मैं सैमसंग का गैलेक्सी नोट 5, ये दो फोन यूज़ कर रहा हूँ। मोटो एक्स मेरा प्राइमरी है और जो गैलेक्सी है वो मेरा सेकेंडरी फोन है। तो मेरा कोई पर्सनल फोन ऐसा नहीं होता, बस जो रिव्यू के लिए आता है मैं उसी को यूज़ करता रहता हूँ। रोहित दीपाली पूछते हैं MI 4 लूँ या MI 4i। देखिए अगर आप इन दोनों में से लेना चाहते हैं कोई तो आप MI 4i ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो MI 4c जो चाइना में लॉन्च हो गया है वो जल्दी इंडिया में भी आ जाएगा, तो आप उसके लिए वेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि MI 4c जो है MI 4i से भी थोड़ा बेहतर होगा। क्षितिज, मेरे पास इनफोकस M2 नहीं है, मैंने सेल नहीं किया था एक्चुअली, मैंने मेरे पेरेंट्स को दे दिया था, मुझे इतना पसंद आया था तो मैंने अपने पेरेंट्स में से दे दिया था किसी को, तो मेरे पास है नहीं अभी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो स्नैपडील मिल जाएगा आपको 3G वर्जन, हालांकि वो कल परसों आउट ऑफ स्टॉक था, तो आ जाएगा वो, आज भी बहुत अच्छा फोन है। शिवम धीमान पूछते हैं, शर्मा जी मुझे एक फोन लेना है जिसमें फोटोग्राफी और हैवी गेमिंग पसंद है। शिवम आपका जो बजट है वो आपने बोला कि 10,000 आपने बजट में, तो यहाँ पे हाँ 10,000 बोला है, तो देखिए 10,000 की रेंज में अगर आप फोन लेना चाहते हैं
तो फोटोग्राफी तो क्या है, आसूस ज़ेनफोन 2 लेज़र की अच्छी है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी एवरेज है। अगर आप सोचते हैं कि 10,000 में आपको जो है बिल्कुल 1 लाख रुपए वाला फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस मिल जाए तो वो तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी 10,000 के प्राइस में आसूस ज़ेनफोन 2 में। क्षितिज बहुत बहुत धन्यवाद, हम पहले सभी को मुबारकबाद दे चुके हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब आप ही के प्यार सपोर्ट की वजह से हुआ है, वरना हम मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी 10,000 रुपये पे पहुंच पाता। शिवांश बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शुभकामनाओं के लिए। सूरज जोशी कहते हैं, शर्मा जी जेनफोन 2 लेजर में आपको अभी तक अपडेट्स कितने अपडेट्स मिले हैं? जी हाँ, जेनफोन 2 लेजर में अभी तक मुझे जो है वो 3 अपडेट मिले हैं। पहला अपडेट जो मुझे मिला था वो मुझे फोन को स्टार्ट करते हैं मिला था, कुछ 396 MB का था, आप देख सकते हैं मेरे अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू में। उसके बाद मुझे जब मिला था, जब मैंने फुल रिव्यू किया था, उससे पहले मुझे मिला था एक 402 MB का अपडेट, और मुझे अभी कल या परसों 2 दिन पहले ही 327 MB का एक और अपडेट मिला है। तो अभी तक जो है वो 3 अपडेट आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि उसमें कुछ ऐसा यानी कि मेजर बग्स हैं, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो अपडेट दिए हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं विजिबल, लेकिन अगर आप बात करें कि स्पीकर का आउटपुट ज़्यादा लाउड हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मनी बालू कहते हैं कि शर्मा जी एनी इनवाइट्स फॉर मी। मनी आप हमारा जो वीडियो है जो हमने बनाया था 1001+2 इनवाइट्स के लिए, आप वहाँ पे जाकर अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, अगर तपन शाह के पास अगर कोई इनवाइट होगा तो वो आपको जरूर भेज देंगे। हमारे पास कोई इनवाइट नहीं है, तपन शाह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास इतने इनवाइट हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो हमने ये जो वीडियो बनाया था उन्हीं की मदद के साथ बनाया था। तो आप उनसे वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, तपन शाह के रिप्लाई कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि मुझे आप इनवाइट दे दीजिए, अगर उनके पास होगा तो आपको जरूर से दे देंगे, क्योंकि उस जो वीडियो है उस पर 300 से भी ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं और 300 लोगों ने जो है अपने इनवाइट मांगे हैं, लेकिन मुझे पता है कि 300 से 300 लोग जो है बिल्कुल उसको लेने वाले नहीं है। बहुत लोगों ने क्या किया होगा, इन्वाइट कोड को अपनी अमेजोन की कार्ट में डाल के उसको छोड़ दिया होगा, उससे क्या होता है कि वो इन्वाइट बेकार हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए आप, अगर किसी ने भी इनवाइट यूज नहीं किया है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर से वो वीडियो जो कोड है वापस से आप जो है वहां पे उस वीडियो में शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हालांकि हम रेकमेंड नहीं करते हैं 1+2, लेकिन 1+2 ऐसी चीज को रेकमेंड करने की जरूरत ही नहीं है, जिसको लेना है वो लेना ही लेना है। शिवांश दीमान पूछते हैं कि टास्क क्या है। शिवांश आप जो है वीडियो जाके देख लीजिए, हमने वीडियो पोस्ट कर दिया हमारे वीडियो सेक्शन में, आपको पता लग जाएगा, हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और हमने जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी वहां पे उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके वो डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उमंग सालवी पूछते हैं कि सैमसंग नोट 5 का स्मॉल वर्जन नोट 5 नियो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उमंग मैंने जो नोट 5 नियो है उसको बिल्कुल देखा भी नहीं है, स्पेसिफिकेशन भी नहीं देखी, बस नाम सुना है कि हाँ नियो नियो कुछ है, तो मैं बिल्कुल भी बिना देखे बिना कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे एक फेसबुक पे कमेंट डाल देंगे तो मैं जो आपको चेक करके बता सकता हूँ कि हाँ दोनों में से स्पेसिफिकेशन वाइज या मेरे हिसाब से कौन सा बेटर हो सकता है। मोहित कुमार पूछते हैं कि लावा IRIS X8 और A7000 में से कौन सा सही रहेगा? देखिए इन दोनों फोन में से मेरे हिसाब से तो लिनोवो का A7000 जो है वो सही रहेगा। टेक टुगेदर कहते हैं कि आप जो है iPhone 6S का अनबॉक्सिंग रिव्यू कब करेंगे? तो टेक टुगेदर जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगा हम रजिस्टर कर देंगे उसके लिए, यानी कि प्री ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि आईफोन जो है प्री ऑर्डर में मिलता है, और मिलते ही हम सबसे पहले जो है आप सभी के लिए रिव्यू लेकर आएंगे, तो आप बिल्कुल बने रहिए। मोहित खान कहते हैं कि MI 4C इंडिया में कब आएगा? मेरे हिसाब से भी अक्टूबर में आने वाला है, दिवाली और दशहरा से पहले ही जो है वो आ जाएगा MI 4C, और जो वो आएगा मेरे हिसाब से सेल में आएगा पहले फ्लैश सेल में, और उसके बाद में जो है 1 या 2 दिन अगर फ्लिपकार्ट का कोई बिग बिलियन डे होता है तो उसमें भी जो है ओपन सेल में मिल सकता है, तो अक्टूबर में जरूर आ जाएगा इसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। कोई खबर नहीं है ऐसी, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 1 साल का फ्लिपकार्ट Xiaomi वगैरह के प्रोडक्ट्स पे, तो ये उम्मीद है कि वो बिल्कुल आ जाएगा। मोहित कुमार कहते हैं कि मेरे पास माइक नहीं है। तो जी मोहित आपको बोलने को तो कोई कह ही नहीं रहा, आप तो सुन लीजिए, स्पीकर तो होना चाहिए ना आपके पास में। और टेक टुगेदर रेडमी नोट 2 का भी ऐसा ही है कि जैसे इंटरनेट पे खबरें चल रही हैं, MIUI फोरम पे बातें चल रही हैं, उससे हमें यही पता लगा है कि वो लोग स्नैपड्रैगन के साथ यानी क्वालकॉम के साथ बात चल रही है उनकी, तो वो Snapdragon 615 चिपसेट लेके आने वाले हैं Redmi Note 2 और Prime पे, लेकिन देखना ये होगा कि 615 जो चिपसेट है वैसे बदनाम है हीटिंग के कारण, तो देखना पड़ेगा कि वो जो है कैसा रहेगा। मनु मनु मनुत हर हर हरबर्ट कहते हैं कि आपका जो एसुस जेनफोन लेजर का एक्सपीरियंस है वो कैसा है? देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे इससे बढ़िया कैमरा 10,000 की रेंज में आज तक नहीं मिला है। मीजू M2 Note का था, लेकिन जो इसकी फोकस है वो मीजू M2 Note से भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो
इनकी दोनों की दोनों सिम 4G हैं, आप इसमें SD कार्ड लगा लीजिए, इसमें आप OTG लगा लीजिए, इसका जो कैमरा क्वालिटी है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और जो इसका लो लाइट वीडियो है यानी कि लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग है वो तो लाजवाब है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी चाहिए और इसका लो लाइट वीडियो देखिए, ऑटो मोड में देखिए, नाइट मोड में देखिए और मैनुअल मोड में देखिए, और आपको पता लग जाएगा कि इसका जो कैमरा है वो लो लाइट में कितना जबरदस्त है। तो मेरे हिसाब से तो Zenfone 2 लेजर 10,000 की रेंज में बहुत ही जबरदस्त फोन है। और दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि Zen UI या MIUI। देखिए इस मामले में जो मुझे है MIUI जो है वो ज्यादा पसंद आती है। शिवांश दीमान कहते हैं कि कैथिन नोट में MI बैंड कनेक्ट हो जाता है। जी हाँ शिवांश दीमान, कैथिन नोट में MI बैंड कनेक्ट हो जाता है, हमने कनेक्ट करके रखा था कई दिन तक और बहुत ही अच्छे से वो चलता है, कोई प्रॉब्लम उसमें जो है वो नहीं आती है। टेक टुगेदर फिर से पूछते हैं कैनवस एक्सप्रेस 2 के बारे में अगर आपको एक शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे। मैं एक नहीं एक शब्द कह दूंगा 3-4 बार, बेकार घटिया थर्ड क्लास। कोई एक काम कीजिए आप है ना, मोहित @MohitKumar को लिख दीजिए कि A7000 जो है वो ज्यादा अच्छा फोन रहेगा, क्योंकि वो उनको मुझे लगता है कि उनको स्पीकर वगैरह नहीं है और वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो कोई भी आप मेरी मदद कर दीजिए, मोहित कुमार को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि शर्मा जी ने ऐसा बोला है। और टेक टुगेदर पूछते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। देखिए पहले मैं क्या करता था, पहले जो अगर आपने मेरा सबसे पहले वाला वीडियो देखा हो तो मैं कुछ नहीं करता था, सिर्फ YouTube पे जो है पार्ट्स को अपलोड करता था और YouTube एडिटर से उसको एडिट कर देता था। उसके बाद मैंने यूज करना शुरू किया विंडोज मूवी मेकर, और उसके बाद अब मैं जो है पिछले 1 महीने से यूज कर रहा हूँ कैमटीशिया, टेक्समिथ का एक कैमटीशिया है सॉफ्टवेयर, वो जो है मैं यूज कर रहा हूँ उसको अपने एडिटिंग पर्पज के लिए। तो वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, उसमें काफी जल्दी से वो होता है रेंडरिंग हो जाती है और जो काफी अच्छे से वो जो है वीडियो बन भी जाती है बाद में। तो मैं अभी कैमटीशिया 8.5.2 कुछ यूज कर रहा हूँ। रिंकू हसीजा कहते हैं, पूछती हैं या कहते हैं कि गैथी नोट में OTG सपोर्ट करता है। जी हाँ बिल्कुल सपोर्ट करता है, आप हमारे वीडियो तो देखते नहीं हो, बस सवाल पूछते रहते हो। सूरज जोशी, मुझे एक भी अपडेट नहीं मिला है, मैं मैनुअली कैसे अपडेट चेक कर सकता हूँ। जी हाँ सूरज जोशी, आपको एक चीज दिखाते हैं हम इसमें कि इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। सूरज जोशी मैं आपका सवाल इसके बाद लेता हूँ, मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। टेक्स्ट सॉल्यूशन कहते हैं सर आपके चैनल कैसे बंद हुआ था, क्या हुआ था। हाँ टेक्स्ट सॉल्यूशन, एक्चुअली मेरा जो चैनल बंद हुआ था, मुझे जब ईमेल आया था तो उन्होंने लिखा था कि हमने आपका चैनल बंद किया है इनवैलिड एक्टिविटी। इनवैलिड एक्टिविटी की जब डेफिनेशन मैंने सर्च की तो उसमें ये था कि आप जो है खुद ही अपने वीडियोस को रिफ्रेश करते हो, आपने खुद ही वीडियोस के जो एड्स आते हैं उस पर आप क्लिक करते हो, तो इस कारण से जो है आपका जो चैनल है वो बंद कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा था कि फिर भी आप जो है अपील कर सकते हो और आप पूछ सकते हो कि हमारा चैनल क्यों बंद किया था। तो मैंने अपील करी, 5 दिन के बाद मेरा चैनल शुरू हो गया, और उसके 15 दिन के बाद एक लेटर आया अपॉलॉजी लेटर, जिसमें उन्होंने लिख के दिया कि हमारे ही एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका जो चैनल हमने बंद कर दिया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। वो मैंने जो लेटर आया था वो मैंने जो है अपने फेसबुक पे शेयर भी किया था, अगर आप चाहें तो वहां पे जाके ढूंढ सकते हैं। और उन्होंने बोला कि आपका जो भी नुकसान हुआ है 5 दिन के लिए उसका हम आपको जो है वो क्रेडिट देंगे। तो उन्होंने मेरे $10 आते थे डेली के उस टाइम पे, तो मुझे $51 दिया था 5 दिन का, तो वो मुझे जो है वो मिल गए थे। अब मैं सूरज जोशी का सवाल ले लेता हूँ। सूरज जोशी आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाइएगा सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो सबसे नीचे से नीचे एक ऑप्शन आता है, ये देखिए अगर आप देखें यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन है Zen UI इंस्टेंट अपडेट, इसमें आप जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है अपडेट आया है। और दूसरा जो है एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे जा सकते हैं सेटिंग में, जी हाँ आप एप्स के अंदर भी जा सकते हैं, एप्स के अंदर एक नाम है सिस्टम अपडेट से, अगर आपको ये फोल्डर्स में आ रहा है तो आप ऊपर से यहाँ पे जाकर ऑप्शन होता है चेंज करने के लिए, तो ग्रिड लाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद एक सिस्टम अपडेट नाम से एक ऐप है, आप उस ऐप को खोल करके जो है अपडेट चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने जवाब दे दिया सूरज जोशी का। अगला सवाल है पुनीत पटेल का, प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे कि आपने मोटो G3 में डिस्क्राइब करते टाइम वीडियो में मैंशन किया था। जी हाँ एक्चुअली प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस क्या होता है, प्योर का मतलब ये होता है कि अगर आपने मोटो G3 देखा है यूज किया है तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्योर एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस है। प्योर एंड्रॉयड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है गूगल का डिफॉल्ट होता है, जब गूगल की फैक्ट्री से सॉफ्टवेयर निकलता है तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है। लेकिन वो यानी कि चेंज कैसे हो जाता है, चेंज होता है अगर आपने शाओमी का फोन देखा हो यूज किया हो तो उसमें MIUI रोम यानी कि वो कस्टम UI लगी होती है, यूजर इंटरफेस लगा होता है, तो वो प्योर नहीं रहता है, वो गूगल पे क्या कस्टमाइज किया जाता है। ऐसे अगर आपने लिनोवो देखा हो तो वाइब UI उसमें आ जाती है, तो वो भी जो है वो प्योर एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह अगर आपने साइनोजन देखा है तो वो भी क्या प्योर नहीं है, वो गूगल का नहीं है, वो क्या करते हैं डेवलपर खुद मिलकर उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है प्योर एक्सपीरियंस, और जो दूसरा होता है कस्टमाइज एक्सपीरियंस। टेक टुगेदर कहते हैं आपको इनमें से सबसे अच्छा फोन कौन सा लगता है, OnePlus One, OnePlus Two, Note 5। मुझे OnePlus One
बाकी दोनों से अच्छा लगता है। शर्मा जी, आपने ऑफिस में लेडी बॉस को 15,000 में कौन सा फोन लेने 15,000 में कौन सा फोन लेने के लिए कहना चाहिए? अच्छा, आप अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप मुझे बस थोड़ी सी क्या रिक्वायरमेंट की होती है कि 15,000 का अगर आप फोन लेने वाले हैं तो रिक्वायरमेंट समझ लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 15,000 रुपये हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10,000 रुपये में सॉल्व हो जाती है, तो आप क्यों 5,000 रुपये लगाते हो? 5,000 रुपये सेव करो, अगले साल नया फोन ले लेना। तो आप थोड़ा रिक्वायरमेंट क्लियर करो, मैं बताता हूँ कि 15,000 में कौन सा हो सकता है। दीपक देवरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। ऋषभ जैन कहते हैं कि 20,000 में एक फोन सजेस्ट कीजिए, मैं हैवी यूजर हूँ। ऋषभ, अभी जो फोन है 20,000 की रेंज में, मेरे हिसाब से दो ही फोन है। पहला जो फोन है वो है मोटो एक्स प्ले, जो कि 32 GB वाला है। इसमें आपको काफी अच्छी 25 GB की रैम इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, 2 GB की रैम मिलती है, SD कार्ड वगैरह सभी स्लॉट आप इसमें लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में ये जो फोन है वो सबसे अच्छा फोन है 20,000 में। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है OnePlus One 64 GB वाला। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि दिवाली के आसपास में जो OnePlus One की कीमत है 64 GB वाले की, वो 20,000 या 19,000 हो जाएगी, तो आप उसको आराम से ले सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है 20,000 रुपये की प्राइस में मेरी तरफ से। साहिब रक्षित पूछते हैं कि अब आपको सैमसंग का मोबाइल कैसा लगता है गैलेक्सी J7 और नोट 5 यूज करने के बाद? कैसा लगने की बात नहीं है, मेरे जो माइंडसेट था ना पहले फोन यूज करने से पहले, ये था कि इनके फोन क्या होते हैं, प्राइसी होते हैं, स्पेसिफिकेशन ये देते नहीं है। तो जब मैंने गैलेक्सी J7 को यूज किया, उसमें देखा कि 1.5 GB की रैम है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। जब लेकिन जब गेमिंग रिव्यू किया तो उससे पता लगा कि हाँ, अगर रैम कम है फिर भी जो है गेम अच्छे से चल सकती है। वहीं मैं अगर कंपेयर करता हूँ उसको K3 नोट के साथ में, जिसमें 2 GB की रैम है, लेकिन फिर भी जो है Asphalt 8 हाई ग्राफिक्स में नहीं चल पाती है, लेकिन जो गैलेक्सी J7 है उसमें जो है वो चल पाती है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजों पे क्या है, दिमाग बदलता है। लेकिन फिर भी अगर 15,000 में आप 1.5 GB की रैम देते हो, तो वो आज की तारीख में ठीक है, महीना 2 महीना चलती है, लेकिन सैमसंग के फोन की क्या प्रॉब्लम है कि वो स्लो हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, और उनको बार बार आप फॉर्मेट करते रहो वो मतलब पसंद नहीं आता। एक जैसे मैं एग्जाम्पल हमेशा बताता हूँ कि मेरे घर में भी एक गैलेक्सी ग्रैंड था 2013 से 2015 तक, तो वो 6 महीने के बाद ऐसा हो जाता था कि मुझे उसको दोबारा से फॉर्मेट करना पड़ता था, एक पूरा दिन अपना खराब करना पड़ता था, दोबारा से ऐप डालो, सब कुछ दोबारा दोबारा करो, तो ये सब करना पड़ता था। और अगर मैं नोट 5 की बात करूँ, तो नोट 5 ठीक है, कहने के लिए 54,000 का फोन है, फ्लैगशिप किलर है, लेकिन अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि बैटरी जो उसकी 12 घंटे भी नहीं चलती है। जी हाँ, मेरे यूजर्स में 12 घंटे ही बैटरी नहीं चलती है। मैं हमेशा रात को 10 बजे फोन को फुल चार्ज करके लाता हूँ अपने ऑफिस से, और सुबह जब मैं उठता हूँ 11-12 बजे, यानी कि मैं यूज करता हूँ रात को फोन ज्यादा 3-4 बजे तक सुबह तक, और सुबह उठता हूँ तो बिल्कुल मुझे 10% 15% बैटरी मिलती है। अगर मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूँ तो मैं नहीं सुन सकता हूँ। तो इस तरह से जो है मुझे बैटरी नहीं मिलती है, स्टैंड बाय टाइम काफी मिल जाता है, लेकिन जो एक्चुअल यूजर्स की बैटरी है वो नहीं मिल पाती है। बैटरी दी है 3,000 में, लेकिन अच्छी चीज क्या होती है यहाँ पे कि फास्ट चार्जिंग दी है, तो अगर आप चार्जर कनेक्ट करते हैं तो आप 1.5 घंटे में जो पूरा फोन है वो चार्ज कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो प्राइमरी चीज होनी चाहिए थी कि बैटरी का जो होना चाहिए था वो ज्यादा नहीं है, तो वहां पर हुआ है। तो अब अगर मैं नोट 5 के ऊपर बात करूँ कि हाँ नोट 5 से अच्छा कोई फोन मुझे लगेगा, तो मैं फिर से वहीं आ जाऊंगा अपने OnePlus One के ऊपर। तो कहूंगा ठीक है, उसमें पेन नहीं लगता, उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो नोट 5 के मुकाबले में नहीं है, और आधी प्राइस आधी से भी कम प्राइस में हमें मिल जाती हैं। टेक टुगेदर कहते हैं कि अभी 7,000 से 8,000 में Redmi 2 Prime से बढ़िया कौन सा है? देखिए, अगर इससे बढ़िया तो नहीं है, लेकिन अगर इसके लगभग लगभग आसपास की बात करूं, तो इन फोकस का जो M350 है वो फोन इसके लगभग आसपास में आता है, तो वो मेरी तरफ से एक ऑप्शन होगा। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं, तीसरे ऑप्शन की बात करूं इसके बाद, तो वो लिनोवो का A7000 है, लेकिन उसमें भी क्या है कि जो रोम है वो 8 GB की है, कैमरा जो है वो 8 MP का है, हालांकि दोनों में 8 MP का है, लेकिन लिनोवो का जो कैमरा है फ्रंट कैमरा वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये दो ऑप्शन बता सकता हूँ, M350 और A7000। मजहर खान कहते हैं कि Redmi Note 2 Prime कैसा है? मजहर जी, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। स्पेसिफिकेशन देख के वो कैसा है कैसा नहीं है, Full HD स्क्रीन बोली है, और जो उसमें प्रोसेसर आएगा उससे पता लगेगा कि वो स्नैपड्रैगन आएगा या MediaTek आएगा या कुछ और आएगा। तो जब तक प्रोसेसर नहीं आता है तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते कि वो कैसा होने वाला है हमारे पास में। पुनीत पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। RV@IIITDM जबलपुर कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट Redmi 2 Prime? आरवी, मैं यही बोलता हूँ कि Redmi 2 Prime जो है काफी अच्छा फोन है। 7,000 रुपए की रेंज में आपको इससे बेटर फोन जो है वो नहीं मिल सकता है। 2 GB की रैम, 16 GB की मेमोरी,
और अगर उसमें एसफोल्ट 8 अगर हाई ग्राफिक्स में चल जाए तो इससे बढ़िया मैं कुछ नहीं मान सकता। टेक टुगेदर कहते हैं आप कहाँ रहते हैं? जी मैं फिलहाल बेंगलुरु बेंगलोर कर्नाटक में रहता हूँ। टेक सॉल्यूशन पूछते हैं कि सर कोलेबोरेशन कब कर रहे हो योर इंडियन कंज्यूमर के साथ? टेक सॉल्यूशन देखो कोलेबोरेशन तो हमने पहले से ही कर रखा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं वो हमको सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना क्या होता है, बहुत बड़ा कोलेबोरेशन होता है। और हम तो आपको भी सपोर्ट करते हैं, हमने तो आपका चैनल भी हमारे रेकमेंड में डाल रखा है, तो सबसे बड़ा होता है कि ये सपोर्ट करना है। और वहाँ जहाँ तक बात रही कोलेबोरेशन की, तो उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तो मैं समय निकाल के अक्टूबर में एक विजिट प्लान कर रहा हूँ कि मैं मुंबई जाऊँगा, और मुंबई में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो भी मिलना चाहते हैं मैं उनसे मिलूंगा भी ज़रूर जाके पर्सनली, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। बाकी हम कोलेबोरेशन का सोचेंगे कि हम क्या वीडियो बना सकते हैं, तो वेट कीजिए, पता लगेगा आपको कि क्या वीडियो हो सकता है। वैसे हम पाठक जी को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप ये वीडियो बना दीजिए हमारे लिए, ये वीडियो बना दीजिए, तो यही होता है मेन कोलेबोरेशन। हमने उनको बोला कि बुक माई ऑफर का वीडियो बनाइए, उन्होंने बना दिया। हमने बोला आप यूट्यूब से कैसे पैसा कमाए वो बना दीजिए, तो वो भी बनाया उन्होंने, तो काफ़ी हमें सहयोग दे रहे हैं, यानी कि कोलेबोरेशन कर रहे हैं। प्रियंक श्रीवास्तव पूछते हैं कि 12,000 में कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा, A6000, A7000, आसूस लेजर या सेल्फी? प्रियंक मैं फिर से यही कहूंगा कि आप जो भी लोग सुन रहे हैं आप जब भी बताएं तो आप अच्छे से डिटेल में बताया कीजिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है। अगर 12,000 में आप बात करें तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि आसू जेनफोन 2 लेजर जो है वो बहुत ही अच्छा फोन है, आप वो ले सकते हैं। दीपक देवरा, ओके रिफ्रेश हो गया फिर से पेज, ओ गड्डी चढ़ दी बिना पटरोल, हाँ जी ये आ गया आप। हाँ दीपक देवरा कहते हैं मैंने आपके लेजर के सारे रिव्यू देख कर मन बना लिया है, फ्लिपकार्ट पे आसूस लेजर के कैमरे के नेगेटिव रिव्यू पड़े हैं। दीपक जी और सभी, मैं सभी को यही बोलता हूँ आप क्या है पढ़े हुए भी मत जाया करो। आप लोग क्या होता है पढ़ते हो सुनते हो और देखते नहीं हो, आप देखो अगर आपने वीडियो देख लिए हैं रिव्यू देख लिए खुद से तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा से कोई डाउट होना चाहिए पढ़े हुए के ऊपर। और फिर भी आपको लगता है तो आप ऑर्डर करो, मंगवाओ, मंगवा के हाथ से खुद से चेक करके देखो, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। उमंग साल भी पूछते हैं कि जेनफोन 2 लेजर को फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा? नहीं जी नहीं, फास्ट चार्जर क्या होता है, फास्ट चार्जर चार्ज कर सकता है उसी को अगर फोन सपोर्ट करता है। अगर आप डीलेक्स का फास्ट चार्जर लेजर में लगा देंगे तो वो नहीं चलता है, वो उसी उसी उससे चार्ज करेगा जिस हिसाब से उसकी बैटरी है। अगर उसकी बैटरी का जो आउटपुट है इनपुट है यानी कि 2 एम्पियर का है या 1 एम्पियर का है तो वो उसको ही लेगा। आप फास्ट चार्जर लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो अब वो नहीं करेगा चार्ज, उसके लिए फोन को भी कंपेटेबल होना चाहिए। दिवांग अग्रवाल कहते हैं कि नोट 5 खरीदना चाहिए कि नहीं? दिवांग जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबको बताया मैंने, अगर आपने सुन लिया हो तो फिर से बता देता हूँ कि जो बैटरी है उसकी वो इस नहीं है कि वो पूरे दिन चल जाए, लेकिन उसका जो फास्ट चार्जर है वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 54,000 रुपये हैं आप लगा सकते हैं 1 साल 2 साल, अगर आप फोन को सिर्फ 1 या 2 साल यूज करते हैं और आप 54,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैं एडवाइज नहीं करता कि अगर आप 54,000 का फोन ले रहे हो साल या 2 साल ही चलाने वाले हो, क्यों? पैसा बहुत कीमती है मालिक आज की तारीख में। कमलदीप कहते हैं पाजी लिनोवो यानी कि माफ कीजिए MI 4C लॉन्च नहीं होगा इंडिया में? ओ पाजी होगा जी, तुसी ठंडदा रखो माड़ी जी, अक्टूबर च हो जाना है, दिवाली तो पहला हो जाऊगा, तुसी वेट करो साढ़े नाल रहो। MJ Barrett कहते हैं कि आप अमेजिंग स्पाइडरमैन गेम का रिव्यू बनाना वाले थे उसका क्या हुआ? अच्छा कि आपने याद दिला दिया, मैं बिल्कुल अभी की अभी उसको डाउनलोड पे लगाता हूँ, पहले ढूंढता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड हो सकता है और उसके बाद डाउनलोड पे लगाता हूँ, और गैलेक्सी नोट पर ही रिव्यू करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से चलता है। शिवांश दीमान पूछते हैं कि अगला सेशन कब होता है? शिवांश हम आपको सबको बता देते हैं कि हम जो सेशन है वो सैटरडे को रखते हैं, हर शनिवार को रखते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर रहे कि सेशन है या नहीं, लेकिन सेशन जरूर होता है। जिस दिन सेशन नहीं होगा किसी कारणों से, अगर हम बाहर गए हुए हैं या कुछ भी कारण आ गया है, तो हम पहले ही आपको बता देंगे फेसबुक पे कि आज जो है वो सेशन नहीं होने वाला है, तो इस तरह से हम पहले ही अपने सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्म रखते हैं। सोवन बैनर्जी कहते हैं कि ब्लैकबेरी फोन्स का रिव्यू चाहिए, तो सोवन आप लिंक भेजिए कौन सा लेटेस्ट ब्लैकबेरी का फोन है, कोई पुराना फोन मत भेजिएगा जो 6 महीने 1 साल पुराना है, जो भी लेटेस्ट है 1-2 महीने में जो भी फोन आया है ब्लैकबेरी का आप बिल्कुल मुझे लिंक दे दीजिएगा मेरे फेसबुक पे, यहाँ पे मत दीजिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो सेशन खत्म होने के बाद मैं कमेंट वगैरह नहीं देख सकता हूँ यहाँ पे, तो आप बिल्कुल मुझे जो है लिंक भेज दीजिएगा फेसबुक पे, मैं जरूर से कोशिश करूंगा उसको रिव्यू करने के लिए। ऋषभ पूछते हैं कि MI 4i पे कंट्रोलर कैसे यूज करूं? जी मेरे को बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं जो भी काम करता हूं बिल्कुल देसी तरीके से करता हूं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं एक्सेसरी वगैरह मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर देख रहा है उसको पता है कि कंट्रोलर कैसे यूज़ किया जाता है फोन पे, तो ज़रूर से आप ऋषभ शर्मा को बता दीजिए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। पूरन दास ओरम
पूछते हैं कि K3 नोट और गैलेक्सी J7 में से कौन सा अच्छा है। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि लिनोवो K3 नोट जो है वो गैलेक्सी J7 से अच्छा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे। अभी दत्ता कहते हैं कि रेडमी नोट 2 प्राइम कब लॉन्च होगा इंडिया में, अक्टूबर के आखिर में होने वाला है, यही उम्मीद है हमारी। टेक्स्ट सॉल्यूशन पूछते हैं कि स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी विच वन इज बेटर। देखिए स्मार्ट टीवी क्या होता है कि उसमें इनबिल्ट दुनिया भर के ऑप्शन होते हैं, उसमें वाईफाई होता है, उसमें ये होता है, उसमें फलाना होता है, ढिकना होता है। उसकी कीमत क्या होती है, 60,000, 70,000, 80,000। नॉर्मल टीवी क्या होता है, जिसमें आपको HDMI पोर्ट मिलते हैं, ये पोर्ट मिलते हैं, वो पोर्ट मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कनेक्टिविटी के, लेकिन उसमें इनबिल्ट वाईफाई नहीं होता। मेरा जो टीवी है वो माइक्रोमैक्स का टीवी है, मैंने 25,000 का टीवी लिया था, कुछ एक्सचेंज करके मुझे 19 लगभग पड़ा था, 19,000 का। मैंने क्या किया, उस पर क्रोमकास्ट लगा दिया, मेरा टीवी स्मार्ट बन गया। बस तो सोचो आप, मैंने कितने लगभग 40-50 हज़ार रुपये बचा लिए और एक सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये का डिवाइस लेके अपने टीवी को स्मार्ट बना लिया। और स्मार्ट टीवी पे क्या आप क्या करना चाहते हो, बस ये अंतर होता है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये अंतर होता है। पुनीत पटेल पूछते हैं मोटोरोला कोई 10,000 के अंदर में मोबाइल फोन लॉन्च होने वाला है फ्यूचर में। पुनीत जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ आपको। अगर आपने मोटो जी सुना हो, मोटो G2 सुना हो, मोटो G3 सुना हो, तो उसी तरह से आपने मोटो ई सुना होगा, मोटो E2 सुना होगा, तो मोटो E3 जो है वो भी जो है दिसंबर जनवरी तक आ सकता है। अगर आपने मोटो E2 सुना हो तो वो जनवरी में आया था, उसके बाद जो है 4G वर्जन आया था, जो मोटो E3 है वो भी आ सकता है दिसंबर या जनवरी में। तो जो वो फोन आएगा मेरे हिसाब से 10,000 के अंदर में ही आएगा, और वो Redmi 2 Prime को जो है काफी टक्कर देने वाला है, तो आप उसके लिए जो है वो वेट कर सकते हैं। ये उम्मीद है आएगा, पता नहीं है उन्होंने डिजाइन सोचा भी है नहीं सोचा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो भी आ सकता है। पीयूष कुमार कहते हैं कि यूनिक और Redmi 2 Prime का कंपैरिजन करना सर। जी हाँ बिल्कुल करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विंस वे डिरोइट पूछते हैं कि लिनोवो वाइब शॉट का क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ जी, अभी वो प्री ऑर्डर में चल रहा है, और मुझे क्या होता है कि प्री ऑर्डर वगैरह में रजिस्टर करके पैसा फंसाने की आदत नहीं है। मुझे फ़ोन जो है वो मिलना चाहिए 1 डे डिलीवरी में, मैं तभी उसको जो है प्रीव्यू करना पसंद करता हूँ, वरना क्या होता है कि पैसा फंसा रहता है। मेरा लिमिट बजट जो है वो लिमिटेड आपको बता रखा है मैंने, 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट है, तो मेरा क्या बजट फंस जाता है, इसलिए मैं जो है प्री ऑर्डर में बुक नहीं करता हूँ। जिस दिन वो मिलेगा 1 डे डिलीवरी में, अगर अमेजोन पे मिलेगा या फ्लिपकार्ट मिलेगा, तो मैं ज़रूर से उसको ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन जो उनकी साइट है अभी द डू स्टोर, उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है अभी, तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है उसको। सिद्धेश्वर सिल कहते हैं कॉन्ग्रेट शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी आपको भी, और आपको हमारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए। टेक्निक्यूड ने राहुल अग्रवाल को जवाब दिया है, आप उसका जो है जवाब पढ़ सकते हैं। मोहित कटारिया कहते हैं हेलो शर्मा जी, बोलो जी। आकाश दुबे कहते हैं गुड फॉर गेमिंग। मेरे हिसाब से तो गेमिंग के लिए अच्छा फोन नहीं है लिनोवो K3 नोट, क्योंकि अगर आप गेमिंग करते हैं और अगर आप नॉर्थ पार्ट में या वेस्ट पार्ट में रहते हैं, तो उसमें हीटिंग की थोड़ी ज्यादा रहती है, नॉर्मल से वो थोड़ा ज्यादा हीट करता है, तो K3 नोट गेमिंग के लिए मेरे हिसाब से फोन सही नहीं है। टेक टुगेदर कहते हैं कि मुझे एक टैबलेट लेना है, iPad mini 4 या फिर Samsung Galaxy Tab 2, इन दोनों का प्राइस बताइए कि इन दोनों का जो प्राइस है वो कितना है। क्षितिज कहते हैं कि आप जो है उसका नाम बताइए जो आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ टेक स्मिथ। कटारिया पूछते हैं कि गेमिंग कैसी है मोटो एक्स में। जी गेमिंग काफी अच्छी है, आप हमारा गेमिंग का रिव्यू देख सकते हैं मोटो एक्स प्ले का जो हमने किया है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि हाई ग्राफिक्स में GTA San Andreas नहीं चल पाता है, क्योंकि जो रैम है वो 2 GB की है, लेकिन उसके अलावा जो भी हमने गेम चलाए हैं, 7-8 गेम चलाए थे हमने, और आपको कुछ दिखाए भी थे 4-5 गेम, बहुत ही अच्छे से वो चलते हैं, और हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है, 40 के ऊपर जो है टेम्परेचर नहीं गया था नॉन AC एनवायरमेंट में। प्रतीक मारू कहते हैं कि Meizu M2 Note वर्थ ऑफ बाइंग। अगर आपको सर्विस की ज़्यादा चिंता नहीं है, अगर आप फोन को बहुत संभाल के रखने वाले हैं, तो M2 Note जो है वर्थ बाइंग है, लेकिन मेजू के साथ में एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी जो सर्विस है वो अभी तक सेटअप नहीं हुई है। अगर हमने सर्विस सेंटर पे कॉल करके पूछते हैं कि भाई सर्विस, तो वो कहते हैं हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया सर्विस, तो बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी Meizu M2 Note काफ़ी अच्छा फोन है, कैमरा के मुकाबले में, बैटरी परफॉर्मेंस के मुकाबले में, और स्पीकर के आउटपुट के मुकाबले में। टेक सॉल्यूशन पूछते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो फ्री है या पैसे वाला है। जी वो फ्री है, 30 डेज का ट्रायल है, तो हम तो अभी 30 डेज का ट्रायल ही यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जब वो खत्म हो जाएगा तो वो कितने पैसे मांगता है, तो हम चेक करेंगे, लेकिन अभी जो है ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। हितेश बोरा पूछते हैं कि मोटो एक्स प्ले और आसूस ZenFone 2 लेजर, दिन रात का अंतर है जी दोनों में, आप कहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये तो कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है। आप पूछिए कि किस एस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। आप मोटो एक्स प्ले की बात करते हैं तो उसमें आपको 21 MP का कैमरा मिलता है, ZenFone 2 लेजर में आपको सिर्फ 10-13 MP कैमरा मिलता है, मोटो एक्स प्ले का फोकस काफी अच्छा है, लेजर का भी फोकस काफी अच्छा है, तो ऐसे नहीं बता सकते कि बेटर कौन सा। आप अपनी जरूरत बताइए, उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर हो सकता है। नीरज मीना पूछते हैं कि ऑनलाइन हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखने के लिए कोई साइट बताइए।
देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा जो मूवीज़ है वो ड्यूल ऑडियो में डाउनलोड करता हूँ टोरेंट वगैरह से। तो पहले एक टोरेंट हुआ करता था ISO1.com, जिसको अमेरिका की कुछ FBI वगैरह ने ब्लॉक ब्लॉक कर दिया तो बंद हो गया। उसके बाद से हम क्या करते हैं, cat.cr नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से हम टोरेंट डाउनलोड करते हैं। आप मूवी का नाम लिखिए, उसके आगे लिख दीजिए ड्यूल ऑडियो, और वहाँ से हम टोरेंट से जो है मूवी डाउनलोड करते हैं, यानी करते थे 3-4 महीने पहले तक, तो और वहीं से देखते थे। और 3-4 महीने तो ऐसे होंगे कि मैंने हिंदी फिल्म भी नहीं देखी है, इतना व्यस्त हो गया हूँ मैं आजकल। तो cat.cr पे आप जाइए, वहां पर आप जो है सर्च कर लीजिए टोरेंट, वहां से डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जो रिपीटेड सवाल आएंगे मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। आप अगर सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, बाद में शाम को आपको मिल जाएगा ये 8-9 बजे तक। आशीष जायसवाल कहते हैं कि मैं कन्फ्यूज हूँ iPhone 6 और 6S में, तो कौन सा लूँ और स्टोरेज लूँ कौन सा लूँ। आशीष जी आप थोड़ा वेट कीजिए, iPhone 6 आने दीजिए, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि इसमें क्या हुआ। iPhone 6S में क्या है, रैम जो है 2 GB कर दी है, ऐसी हमें खबर मिल गई है। तो बाकी देखते हैं, iPhone 6 में मेरे ख्याल से अभी भी 1 GB की रैम है, हालांकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 GB की रैम है 6 में, लेकिन 6S में 2 GB की रैम डाल के दी है। तो आने दीजिए, प्राइस पता लगने दीजिए कि 16 GB और 64 GB में कितने प्राइस का डिफरेंस है, और डिपेंड करता है कि उसकी OTG का जो प्राइस है वो कितना है। आईफोन की OTG भी अलग से आती है, तो वो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है, उसके बाद में ही आपको बता सकते हैं। आदि तिवारी पूछते हैं कि आपको सोनी ब्रांड का बेस्ट फोन कौन सा लगता है। अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे सोनी एरिक्सन का लाइव विद वॉकमैन, जो आज से 2-3 साल पहले तक आता था, वो अच्छा लगता था। उसके बाद से मुझे ऐसा कोई फोन मिला नहीं सोनी का। मैं सोनी का बहुत बड़ा फैन था, मैं जुलाई 2014 तक सोनी का ही फोन यूज करता था, लेकिन उसके बाद से ऐसा मन खराब हुआ कि उसके बाद मैं दोबारा गया ही नहीं सोनी के ऊपर। हंस कुमार जोशी पूछते हैं कि Redmi 2 Prime, यूनिक, लूमिया, Galaxy J5 में से कौन सा फोन ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर है। हंस हंस कुमार को बता दें हम कि हमारे हिसाब से जो फोन है वो Redmi 2 Prime अच्छा है। अगर उसके बाद 7,000 रुपये की प्राइस में, अगर आपका बजट और थोड़ा कम है, तो 5,000 रुपये में जो यूनिक है, यू यूनिक, वो भी जो है वो काफ़ी अच्छा फोन है। तो इस फोन को भी आप ले सकते हैं, यू यूनिक, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और इसका जो OS है वो गूगल का है, साइनोजन का नहीं है, तो इस हिसाब से क्या है इसमें हीटिंग भी नहीं है। वरना हमें क्या यूरेका और यूरेका प्लस ये फोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि इनमें ओवर हीटिंग बहुत होती थी। कुलदीप उपाध्याय कहते हैं कि सर अगर कौन से मोबाइल में 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है तो मैं मोबाइल 4K डिस्प्ले क्यों नहीं देते। अच्छा, इनका ये सवाल है कि अगर फोन का कैमरा 4K रिकॉर्डिंग कर लेता है तो 4K डिस्प्ले क्यों नहीं देते। देखिए 4K रिकॉर्डिंग करना एक सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी होती है, और 4K स्क्रीन देना एक हार्डवेयर की कैपेबिलिटी होती है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर 4K, अभी आप देखिए जो Galaxy Note 5 है उसमें 2K की स्क्रीन दी गई है, तो अगर वो उसको 4K देंगे तो उसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। अभी आपको 10 से 12 हज़ार की कीमत में आराम से फुल HD के स्क्रीन मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 2K पे जाएंगे तो आपको 20 से 25 में जाएगा। अगर आप और 4K में जाएंगे तो जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है, और खुदा ना खास्ता अगर आप 40,000 में एक 4K का फ़ोन ले लेते हैं और अगर इसकी स्क्रीन टूट जाती है किसी भी कीमत से, तो आप भूल जाइए कि वो 40,000 का फ़ोन आपको 30-35 हज़ार से पहले ठीक हो जाएगा, क्योंकि आजकल के जो मोबाइल फ़ोन है उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो स्क्रीन का ही होता है, तो स्क्रीन जो है बहुत ही महंगी आती है, इसलिए 4K वो भी देते नहीं है। 4K रिकॉर्डिंग कर लो, यूट्यूब पे लगा दो, देख लो, स्क्रीन भूल जाओ। अभी स्क्रीन भी आएगी आने वाले ज़माने में, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, टाइम लगेगा आने में। पहले हमको सिर्फ VGA फ़ोन मिलते थे, 360, 480p, 720 आने शुरू हुए, HD, फुल HD शुरू हुए, 2K भी आने लग गए हैं अब, तो एक जमाना एक दिन आएगा जब 4K भी आपको मिलेगा। पुनीत पटेल कहते हैं कि Moto G3 लिया, उन्होंने मेरा रिव्यू देखे। पुनीत, फ्लिपकार्ट, क्या अगर फ्लिपकार्ट जो है बिल वो आपकी ईमेल आईडी पर भेजती है तो आप अपनी ईमेल आईडी पे जाके चेक करो, उन्होंने जिस दिन आपका फ़ोन डिलीवर हुआ था उसके 1 या 2 दिन बाद या उसी दिन आपको एक ईमेल भेजा होगा इनवॉइस एंड डिलीवरी कंफर्मेशन नाम से। अगर उसमें आपको जो है बिल नहीं मिला ईमेल आईडी में, क्योंकि फ्लिपकार्ट में बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कि वो अटैचमेंट नहीं आता था बिल का, तो आप क्या कीजिए, अपने अकाउंट सेक्शन में जाइए, ऑर्डर्स में जाइए, ऑर्डर्स को ओपन कीजिए, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, ईमेल, कॉन्टैक्ट और इनवॉइस। अगर आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा ईमेल आईडी बताओ, वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देना और आपको जो बिल है वो ईमेल पे मिल जाएगा। तो इस तरह से जो फ्लिपकार्ट अपना इको फ्रेंडली बहुत है, वो ऐसे पेपर वेस्ट नहीं करता है बिल के लिए, तो आप बिल ले लीजिए, उसमें बिल्कुल साइंड है, स्टैम्प करके बिल दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। टेक टुगेदर कहते हैं कि Redmi 2 Prime में एज पर डेट डाउनलोड नहीं होता है। टेक टुगेदर पहले मुझे बताओ कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कितने KB/s की स्पीड पे डाउनलोड करता है। KB मतलब बड़ा वाला K और B। ज्ञानेश्वर मिश्रा पूछते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, 20,000 के अंदर ड्यूल सिम फोन बताइए जिसका बैटरी, कैमरा, गेमिंग अच्छा हो। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, 20,000 के अंदर जो फोन है वो ये है Moto X Play 32 GB वाला, इसको आप ले लीजिए।
अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो हमारे चैनल पर इसके कम से कम 4 से 5 वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। हमने इसका अच्छे से बताया है कि इसकी बैटरी कैसी है, इसका कैमरा कैसा है, इसकी गेमिंग कैसी है, तीनों चीज़ के बारे में बताया। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात, फास्ट चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो ये जो फ़ोन है ये 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है पूरा, नहीं 2 घंटे में चार्ज होता है पूरा। 3600 mAh की इसकी बैटरी है, तो ये 20,000 है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फास्ट चार्जिंग के साथ, लेकिन चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि फास्ट चार्जर कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, तो जो इसका चार्जर है उसकी कीमत अगर मैं amazon.com पे देखता हूँ तो वो लगभग 3,000 रुपये है। तो इसका जो टर्बो चार्जर है वो इंडिया में तो मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई और फोन है जो फास्ट चार्जिंग करता है, जैसे मेरे पास में Asus Zenfone 2 Deluxe है, तो मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ, और सैमसंग का भी चार्जर है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्वालकॉम का चार्जर आप ढूंढ सकते हैं अमेजोन के ऊपर, जो वो मिल रहा है, तो आप अमेजोन पे जाकर सर्च कीजिए क्वालकॉम फास्ट चार्जर, वहां से आपको मिलेगा, तो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। पुनीत पटेल कहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो बिल्कुल बहुत अच्छी है आज, तो पिछली बार कुछ ज्यादा ही हमने काम कर लिया था, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमारे पास 2 नए फोन थे, मोटो एक्स था और यूनिक था, तो हमने वीकेंड पर ही सारे रिव्यू कर डाले थे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं फील नहीं कर रहा, लेकिन आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। आज मैंने सिर्फ जो है हमारा टास्क वाला वीडियो बनाया और आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स दिए काफी यहाँ पे फेसबुक पे और यूट्यूब पे, और उसके बाद में जो मैंने अपना पहला वीडियो यानी कि जो नूबिया Z9 Mini का मैंने 20 मई को बनाया था, उसको मैंने फिर से आज एडिट करके लगाया, बस थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो तबीयत मेरी फिलहाल बहुत अच्छी है और अच्छा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि आप सभी का इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है, 10,000 सब्सक्राइबर हमने पहले ही पार कर लिए हैं। इसलिए अरिश खान, जैसा हमने बताया आपको कि 21,000 रुपये में आप जो है मोटो एक्स प्ले ले सकते हैं, अभी हमने ऊपर ही बताया आपको, तो उस तरह से आप वो भी आपके लिए भी वही सलाह रहेगी। ठीक है, टेक सोल्यूशन आप बस वेट करो, आप मुझे बताओ कि कौन सा वीकेंड अच्छा रहेगा मुंबई दर्शन के लिए, तो हम ज़रूर से एक बार आएंगे फिर से मुंबई में। हालांकि हमने मुंबई में 6 महीने काम भी किया था, और उसके बाद में मैं 2 साल बाद गया भी था, 2011 के अंदर एक बार, तो मैं आखिरी बार 2011 में गया था, उसके बाद में गया था 2013 में, और अब देखते हैं 2015 में मुंबई बुला रही है नहीं बुला रही। टेक टुगेदर कहते हैं कि आप घर में कौन कौन से फ़ोन यूज़ करते हैं? देखिए मेरे अलावा अगर मैं छोड़ के बात करूँ तो मेरे पिताजी यूज़ करते हैं इनफोकस M2, मेरी माता जी यूज़ करती हैं मोटो E2nd जनरेशन, मेरा भाई यूज़ करता है लिनोवो A6000, हमारी धर्मपत्नी यूज़ करती है लिनोवो A6000, मेरी सासू जी यूज़ करते हैं इनफोकस M2 3G वाला, और मेरे ससुर जी यूज़ करते हैं वो भी लिनोवो A6000 यूज़ करते हैं, और उनके घर में कुछ लोग हैं जिनको मैंने रेडमी 1S रेकमेंड किया था, तो वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल पुनीत, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शाओमी के जो नए फ़ोन आने वाले हैं Redmi Note 2 Prime और Redmi 2, उनके लिए आप बिल्कुल वेट कर लीजिए, और बहुत ही अच्छे फ़ोन होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने शाओमी के सारे फ़ोन यूज़ किए हैं, एक एक फ़ोन को यूज़ किया है, क्वालिटी जो है बिल्ड क्वालिटी और जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो टेस्टिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो टेस्टिंग करते हैं वो अपने चाइना के एन्वायरमेंट में करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो इंडियन टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो उसको ट्यून नहीं कर पाते हैं, तो कई बार बस उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी उसके अलावा MI के जो फोन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। दीपक विराट कहते हैं कि Note 5 कैसा है? दीपक, हमने अभी बताया था तो कुछ देर पहले कि Note 5 अच्छा है, बस थोड़ा सा हमें बैटरी की प्रॉब्लम लगती है, कि 54,000 रुपये में अगर बैटरी थोड़ी और अच्छी होती, कम से कम 4,000 की बैटरी होती है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया जाता कि लगभग वो 24 25 घंटे चल जाती, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि फास्ट चार्जिंग है, लेकिन वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है कुछ चीज़ ना देने के लिए। जोश वाईफाई कहते हैं कि सर आपने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और आपके बॉस आपको बोलते नहीं है। एक्चुअली कल ही मेरे बॉस पूछ रहे थे, जब मैं थोड़ा कुछ जा रहा था उनके पास, तो वो कहते कि क्या चल रहा है आजकल। मैंने कहा सर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आज यूट्यूब पर, और मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। वो कहते अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। तो मेरे बॉस काफ़ी ओपन नेचर के हैं, उनको कभी भी कोई शिकायत नहीं होती है इस तरह से, और वो कहते हैं ठीक है बहुत ही अच्छी बात है, तुमने कुछ अच्छा किया, हमको भी प्राउड होता है कि हम एक ऐसे एम्प्लॉय के साथ में काम करते हैं जिसने खुद का कुछ सेटअप किया। तो वो बिल्कुल भी उनको बुरा नहीं लगता है, बल्कि वो सपोर्ट करते हैं, और वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जी हाँ उन्होंने भी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा है, और वो भी हमारा जो है वीडियोस देखते रहते हैं। अब्दुल नबी कहते हैं कि मैं Meizu M2 Note ले लूँ, क्या वो अच्छा है? जी हाँ, Meizu M2 Note काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप उसको बहुत केयर के साथ रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, तो फिलहाल आज की तारीख में मीजू के सर्विस सपोर्ट जो है इतना अच्छा नहीं है। अभी वो क्या स्टार्टिंग फेज में है, 6 महीना 8 महीना के बाद में उनकी सर्विस जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हैं उसको। तेजन सिंह कहते हैं कि मैंने Redmi 2 Prime लिया है, शुरू में रैम जो थी 1.13 GB आती थी, लेकिन अब जो है 700 MB रह गया है, मैं सारे टास्क बंद कर देता हूँ फिर भी जो रैम है वो इतनी रहती है, बैटरी बैकअप भी कम हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी बात। तेजन, आप मुझे एक बात बताइए कि बैटरी का जो बैकअप है वो फिलहाल आपको कितना मिल रहा है और पहले कितना मिलता था, और अगर आप रैम की बात करते हैं तो जी हाँ, जैसे जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाते हैं
उसमें क्या होता है कि वो रैम के यूजेस हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपकी एक उसमें एक सेटिंग में आप जाएंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेस्ट्रिक्ट करके, रेस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन या रेस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करके। तो वहां पे आप एप्लीकेशन को खोल करके उसको, यानी कि जो बैकग्राउंड डेटा है वहां से ऑफ कर सकते हैं, ताकि जो है रैम ना ले। और बाकी जो बैटरी की बात है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर बैटरी चार्ज करते हैं तो उसको फोन को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप बैटरी को चार्ज करते हुए फोन को यूज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाती है। आकाश आकाश पूछते हैं कि मोटो जी प्योर एडिशन कब इंडिया में आएगा। आप मोटो जी प्योर की बात कर रहे हैं, मोटो एक्स प्योर की बात कर रहे हैं? मैंने तो मोटो एक्स प्योर सुना है। तो मोटो एक्स प्योर और मोटो एक्स स्टाइल का देखिए उम्मीद है कि अक्टूबर में आएगा। तो अब देखिए कि कब आता है, कैसे आता है, हमें भी कुछ अंदाजा नहीं है इसके बारे में, लेकिन अक्टूबर या नवंबर में बिल्कुल जरूर से मोटो एक्स प्ले या ये आने वाला है, दोनों में से एक फोन। गुरविंदर सैनी पूछते हैं, पाजी मोटो G3 फिर से इन स्टॉक होगा कि नहीं? अब पाजी बिल्कुल होगा, आप चिंता मत करो, मोटो G3 आएगा स्टॉक में, और जिस दिन आउट ऑफ स्टॉक हुआ उससे लगभग 4-5 दिन में ही आता है। हर हफ्ते क्या है, स्टॉक आता रहता है, तो वो चिंता मत करो आप। अगर आएगा आते ही आउट ऑफ स्टॉक, जैसे ही वो स्टॉक में आएगा मैं फेसबुक पे शेयर कर दूंगा, तो आप बिल्कुल मेरे लिंक से उसको ले लेना, खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा क्या वेट करना पड़ता है, क्योंकि चाइना शिपमेंट आता है, और जो शिपमेंट आता है वो एक बार ही भेजते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो हर कंपनी क्या करती है, हफ्ते में एक ही शिपमेंट भेजती है, ताकि वो अपना कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, सबका चार्ज जो है वो बचा सके। टैक्स सॉल्यूशन पूछते हैं कि आपकी क्या राय है जब फ्लिपकार्ट ने डेस्कटॉप से ऑप्शन निकाल दिया है, और वो कहते हैं कि ऐप ओनली खरीद लो। देखो, अगर मैं मेरे नजरिए से सोचूं कि अगर मैं लिंक देता हूं तो आप ऐप से खरीदोगे तो मुझे ज्यादा फायदा है। अब मैंने वो C4 E-Tech का वीडियो भी देखा था, अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं, कि जैसे उसने बताया कि हमारे गले में मत ठूसो तुम एप्लीकेशन, हमारी मर्जी होनी चाहिए हम कैसे खरीदें। तो बिल्कुल मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि जो लोग लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करते हैं वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्लिपकार्ट को। और काफी लोगों ने इसके बारे में विरोध भी किया था कि नहीं तुम ऐप ओनली मत होना, हमको डेस्कटॉप पे भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, फ्लैश सेल अगर आपको याद हो MI की, तो फोन लेना फ्लैश सेल में बहुत ही नामुमकिन सा काम है, लेकिन वो पॉसिबल हो जाता है अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो, लेकिन वो मोबाइल ऐप में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये एक रीजन है मेरी तरफ से कि बिल्कुल भी जो है फ्लिपकार्ट को डेस्कटॉप साइट बंद नहीं करनी चाहिए। जैसी खबर आ रही थी कि वो बंद कर देगी सितंबर अक्टूबर में, ऐसा नहीं है, उन्होंने मिंत्रा तो कर ही दिया है, लेकिन फ्लिपकार्ट अब वापस से सोच रहा है और वो अपनी डेस्कटॉप साइट को चलने देगा। हाँ, बाकी जो प्रोडक्ट्स की बात है, मैंने भी देखा, कई बार मैं सर्च कर रहा था तो वहां लिखा आता था ब्लू कलर में ऐप ओनली, ऐप ओनली, तो वो मुझे भी पसंद नहीं आया। तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम विरोध कर रहे हैं फ्लिपकार्ट को, देखते हैं क्या होता है। ब्लू फ्रॉग पूछते हैं कि रेडमी 2 प्राइम और इनफोकस M350 में से कौन सा अच्छा है। देखिए, अगर रेडमी 2 प्राइम, दोनों में से देखो ये बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ मैं, कि अगर आपको फ्रंट कैमरा नहीं चाहिए, फ्रंट कैमरा अगर अच्छा नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपको फ्रंट कैमरा की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप रेडमी 2 प्राइम ले लो। अगर आपको लगता है कि फ्रंट कैमरा बिल्कुल बढ़िया जगह एकदम होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, तो फिर आप जो है इनफोकस M350 ले लो, उसमें जो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो है वो दिया गया है। करण मुंद्रा पूछते हैं, OnePlus 2 या फिर मोटो एक्स प्ले? जी हाँ, मुझे मोटो एक्स प्ले जो है वो पसंद आ रहा है OnePlus 2 के ऊपर। ऋषभ शर्मा कहते हैं कि Z6 के बारे में क्या कहना है। जी ऋषभ जी, और मैं सभी को बताता हूँ, मैं जब तक अपने हाथ में फोन नहीं लेता, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता उनके बारे में, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं कुछ भी बोल दूं और आने के बाद पता चले तो ये हो गया, फिर आप बोलोगे अरे आपने तो ऐसे बोला था, अब आप ऐसे बोल रहे हो। तो मैं बिल्कुल भी कोई कमेंट जो है वो नहीं करना चाहता। दीपक विराट पूछते हैं कि आसू जेनफोन 2 का रिव्यू कब करोगे? आप कौन से जेनफोन 2 की बात कर रहे हो, लेजर की, डीलक्स की, सेल्फी की, किसकी? मैंने कर दिया है लेजर का रिव्यू तो पहले ही, और डीलक्स का भी कर दिया है, बस डीलक्स का जो है फुल एंड फाइनल रिव्यू बाकी है, वो मैं करूंगा मंडे ट्यूजडे को, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। सर ये वाईफाई मोड, पुनीत पूछते हैं फिर से, पुनीत पटेल, सर ये वाईफाई मोड मॉडम को दिन भर ऑन रखें तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या मॉडम खराब होने की? पुनीत, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास में जो है टीपी लिंक का वाईफाई राउटर है, और मेरा राउटर जो है 24 घंटे 7ों दिन चलता है। अगर कोई लाइट भी चली जाती है तो भी मेरे पास इन्वर्टर पे कनेक्ट कर रखा है मैंने उसको, तो वो 24 घंटे चलता है, और मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं, 2012, 13, 14, 3.5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं उसको यूज करते हुए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बने ही इसलिए होते हैं कि वो 2400 घंटे 7ों दिन चल सकें, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी उन पर वारंटी लिखी होती है 3 साल, वो उससे ज्यादा ही चलते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी 1-2 घंटे के लिए बंद कर देना चाहिए, हफ्ते में या दिन में, तो अच्छा रहता है। रिंकू हसीजा पूछते हैं कि गैलेक्सी नोट लेना चाहिए या कुछ और? देखिए, आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा आसू जेनफोन 2 लेजर आप ले लो, गैलेक्सी नोट से वो काफी अच्छा फोन है। अखिलेश पूछते हैं कि 15,000 में कौन सा फोन ले सकता हूँ? अखिलेश, अगर आप थोड़े दिन रुक सकते हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि MI का 4C जो है वो इंडिया में भी लॉन्च होगा अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो MI 4C जो है मुझे लगता है 15,000 की रेंज में ही आने वाला है, और वो काफी अच्छा फोन होगा, क्योंकि
जो अभी फोन मिल रहे हैं, मोटो G3 मिल रहा है, MI 4A मिल रहा है या कोई और फोन मिल रहा है 15,000 की रेंज में, उससे वो है अच्छा होने वाला है। दीपक का सवाल है, दीपक देवरा का, कि आपके वीडियो रिव्यू देखने में बहुत मजा आता है, लव द वे यू डिस्क्राइब। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही का सपोर्ट है कि हमने जो है 10,000 पूरे कर लिए हैं, और अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी काफी ज्यादा हो गए होंगे। जी हाँ, अभी जो है 10,130 सब्सक्राइबर हो गए हैं अभी तक। तो आप देख लीजिए, कल शाम का टाइम था जब 9,000 कुछ 900 थे, और देख लीजिए 140 सब्सक्राइबर सिर्फ एक दिन में आए हैं। तो ये सब अभी आप सभी का जो प्यार है, आप सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उसी का नतीजा है। कुलदीप उपाध्याय का वही सवाल है, मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से मैं स्किप कर रहा हूँ। नीरज मीना कहते हैं कि हॉलीवुड मूवी हिंदी में देखने के लिए कोई साइट। नीरज, मैंने इसका सवाल का जवाब दे दिया है, अगर आप नहीं देख पाए तो आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, शाम को 7-8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मनु पूछते हैं कि 16 GB का कार्ड कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा। देखिए, कार्ड के मामले में आप दो ही कंपनी पर ज़्यादा विश्वास कीजिए, एक तो है सैंडिस्क और जो दूसरा है वो है अपना ट्रांसकेंट या फिर एक किंगस्टन। ये तीन जो कंपनी है जो डेडिकेटेडली मेमो वो बनाती है मेमोरी कार्ड, वो ले लीजिए। बाकी अगर आप सैमसंग, तोशिबा वगैरह सोच रहे हैं तो आप इनको बाद में कर सकते हैं। और एक और कंपनी नई आई है आजकल, स्ट्रोंटियम, जिसकी हमारे पास में जो है OTG केबल है, उसका भी जो मेमोरी कार्ड है वो अच्छा है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो डेडिकेटेडली मेमोरी ही बनाती हैं, उनका आप जो है वो ले सकते हैं। आकाश पूछते हैं कि मोटो एक्स प्ले और नेक्सस 6 में से कौन सा अच्छा है। देखिए, इन दोनों की बात करें आप तो नेक्सस 6 जो है वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हमने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने उसके रिव्यूज़ देखे हैं, पढ़े हैं, और हमने चला के भी देखा है, हमारे फ्रेंड के पास में है, उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि वो है। कार्तिकेय राय, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी शब्दों के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आ गया था टेक सॉल्यूशन का, वो कह रहे हैं गीकी रंजीत ने जो है iPhone 6 की क्या है अनबॉक्सिंग डाल दिया है। तो भाई, वो बड़े लोग हैं, वो अमेरिका से मंगवा लेते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम अमेरिका से कैसे मंगवाएं फ़ोन, अमेरिका में मिल रहा है, मंगवा सकता हूँ मैं फ़ोन, सेम फ़ोन मैंने मंगवाया भी था पिछले साल, लेकिन मैं इस साल नहीं मंगवाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है इस बार। क्या करें, वो मंगवा सकते हैं, उनको कंपनी दे देती है पहले, हमको कोई देती नहीं है। जिस दिन हमको देगी, देने लगेगी, हम भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओहो, काफ़ी सवाल आ गए हैं। अब 6 बजने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा आप सभी को कि आप जो है क्या कहते हैं कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। जितने भी कमेंट आए हैं अभी 6 बजे तक, मैं उन सभी का जवाब दे देता हूँ। तो आप बिल्कुल रुक जाइए अब कमेंट करना, जितने भी सवाल हैं मैं उन्हीं का मुश्किल से जवाब दे पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं क्वेश्चन स्किप करूँ, स्किप करूँ या छोड़ दूँ। हाँ, कमलदीप का सवाल है, मैं यूरेका यूज़र था, आपके लेज़र के रिव्यू देखने के मज़ा आ गया, ट्यूजडे को ऑर्डर किया था, आज जेनफोन 2 लीजा है, बस देखना ये है कि क्या मैं कस्टमाइजल यूरेका को जेनफोन टक्कर देगा या नहीं। बिल्कुल कमलदीप जी, जेगा वो, तुझे चिंता ही ना करो। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब रक्षित पूछते हैं कि आपके पास इतने सारे फोन हैं, टाइम कब मिलता है आपको चार्ज करने के लिए। चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं एक टाइम पे क्या है, दो ही फोन यूज करता हूँ, और उसके बाद जब भी मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप के साथ में चार्जिंग पे लगा हुआ ही होता है फोन, और बाकी जो फोन स्टैंड बाय पे होते हैं वो 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है चार्ज करने की। और वैसे ही मेरे पास पावर बैंक पड़ा रहता है, मैं जब भी टाइम मिलता है लगा देता हूँ। मेरे घर में बहुत सारे सॉकेट हैं, जहाँ मिला सब में एक एक क्या है वो लगा हुआ है चार्जर, हर कंपनी का एक चार्जर एक सॉकेट में लगा हुआ है, तो जहाँ पर भी टाइम मिलता है लगा देता हूँ मैं, हो जाता है चार्ज। मैं मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप वगैरह किसी को भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ये सिर्फ सेवा जो है आपकी यूट्यूब और फेसबुक पे कर रहा हूँ, मैं उसको पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं व्हाट्सएप नंबर दे दो, फेसबुक आईडी दे दो, आप मेरे फेसबुक पे जाके देखिए, मेरे कोई 200 से भी मुश्किल 200-300 भी फ्रेंड नहीं होंगे, मैं इतना सर्कल नहीं है। तो मैं बिल्कुल इस तरह से जो है विश्वास नहीं रखते, क्योंकि क्या होता है एक जने को दिया फिर वो टिंग 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 शुरू कर देता है, और वो मुझे पसंद नहीं है। पुनीत पटेल पूछते हैं कि आप इतने सारे फोन अफोर्ड कैसे करते हैं। पुनीत, आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, वहां लिखिए 00 शर्मा जी ऑफलाइन, आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैं इतने सारे फोन कैसे अफोर्ड करता हूँ। मैंने कुछ बजट सेट कर रखा है, मैं लेता हूँ, रिव्यू करता हूँ और बाद में उनको भेज देता हूँ, इस तरह से। छोटे में बता दिया मैंने, बड़े में आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। दिलीप परमार पूछते हैं कि बेस्ट कैमरा फोन 15,000 की रेंज में 5 इंच की स्क्रीन ड्यूल सिम। दिलीप परमार जी, आपके लिए जो ऑप्शन है वो MI 4i 32 GB वाला है, वो आप ले लीजिए, बिल्कुल जगह चगाचक एक नंबर का है। कुशल दत्ता कहते हैं, अगर स्नैपडील से कोई चीज खरीदता हूँ तो फिर रिप्लेसमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, बिल्कुल 1000% प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर आपने स्नैपडील से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लिया तो वो आपको बोलेंगे आप जाओ सर्विस सेंटर के चक्कर काटो, उनसे कागज पत्र लेके आओ, उसके बिना हम फोन वापस लेंगे ही नहीं। जो वो कहते हैं ना, जो वो ऐड आती है टीवी में आजकल कि क्या फास्ट डिलीवरी इजी रिटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको परेशान कर मारेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पर्सनली MX5 के लिए, और मेरे फ्रेंड का, हम दोनों को उन्होंने परेशान कर मारा है MX5 के लिए। तो भूल जाओ आप स्नैपडील से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने के लिए, मैं बिल्कुल मना करता हूँ, क्रॉस लगा दो स्नैपडील के ऊपर। तो टेक टू के ट्विटर पूछते हैं, आपके पास कौन सा लैपटॉप है। मेरे पास जो लैपटॉप है वो उसका मॉडल है लिनोवो का थिंक पैड X240, और मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है।
टेक टुगेदर, मुझे लगता है आपने मेरा वीडियो देखा नहीं 10,000 सब्सक्राइबर वाला, तो आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैंने यूट्यूब से कैसे शुरुआत की। थोड़ा थोड़ा आप हमारे वीडियो देखिए, हम उसमें भी बहुत बातें करते हैं आप सभी से, आप देख सकते हैं क्या करना है। ऋषभ शर्मा, मोटो एक्स प्ले को आने दीजिए, आने के बाद ही हम बता पाएंगे आपको कि दोनों में से कौन सा जो है वो बेटर है। दीपक जी, आसूस का जो जेनफोन 2 है 4 GB वाला, जो नया मॉडल है डीलेक्स वाला, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा गैलेक्सी नोट 5 की वजह से, क्योंकि वो आधे प्राइस में आ जाएगा। टेक सॉल्यूशन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दें, हम मुश्किल से आपके कमेंट्स के जवाब दे पाते हैं। अगर हम ब्लॉगिंग शुरू कर देंगे तो आप तो हमारा जीना आराम कर दोगे, कह दोगे आप जवाब ही नहीं देते हो। अभी भी लोग कहने लगे हैं हमारे सवाल का जवाब नहीं आया, हमारे सवाल का जवाब नहीं आया फेसबुक पे यूट्यूब पे। तो अगर मैं ब्लॉगिंग और वेबसाइट में अपना टाइम दूंगा तो मैं जो अपना मेन मोटिव है वो भूल जाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर आप ही लोग बोलोगे आप तो प्रोफेशनल हो गए, आप तो बात ही नहीं करते हो हमसे, कहाँ गए वो शर्मा जी जो ऐसे ऐसे करते थे। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मेरी वेबसाइट को बना ले, मैनेज कर ले, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। GTA San Andreas K3 नोट में नहीं चलता है। आकाश दुबे जी, शिवम दीवान जी, हाँ बिल्कुल, हिमाचल जब भी हम आएंगे आपको जरूर बता देंगे, और हम फेसबुक पे भी लिख देंगे जी हम जा रहे हैं हिमाचल, तो आपको बता देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। शिवम शुक्ला, 10,000 रुपये में बेस्ट फोन, 10,000 रुपये में बेस्ट फोन जो है वो आसूस का जेनफोन 2 लेजर है। मनी पाल सिंह कहते हैं कि J7 के कैमरा में बहुत स्मॉल डॉट्स आते हैं इंडोर लाइट्स में। देखिए मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, जब मैंने इसका कैमरा यूज करता हूँ तो मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई डॉट्स वगैरह नहीं दिखते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप मुझे जरूर से जो है उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज सकते हैं। हालांकि मुझे अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो मुझे इसमें किसी भी तरह का जो है कोई डॉट्स वगैरह जो है वो नजर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं इंडोर लाइट कंडीशन में है हम, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। टेक्निफाइड जी, हाँ टास्क में हमने क्लियरली लिखा था, हमने वीडियो में क्लियरली बताया था कि हमने जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू किया है वो हमारे उसमें आएगा। तो अगर हमने गन का रिव्यू किया तो वो भी हमारे प्रोडक्ट में आएगा, हमने अगर मोबाइल होल्डर का किया तो वो भी आएगा, हमने अगर माउस का किया तो वो भी आएगा, हमने अडेप्टर का किया तो वो भी आएगा, हमने वाईफाई राउटर का किया तो वो भी आएगा। तो जो भी हमने रिव्यू किया एक्चुअली पावर बैंक वो सब आएंगे, सिर्फ हम आपसे जो बात करते हैं लाइव स्ट्रीम करते हैं या आपके सवालों के जवाब देते हैं या हमने कोई आपको मैसेज दिया है वो नहीं आएगा। उसके अलावा हमने जो भी रिव्यू किया है वो सभी के सभी जो है उस टास्क नंबर 1 के अंदर इंक्लूडेड है। टेक टुगेदर पूछते हैं कि आप फ्यूचर में गिव अवे करोगे। टेक टुगेदर जी, मैं गिव अवे ना करता हूँ, ना कर रहा हूँ, ना करूंगा। जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया कि हम सिर्फ रिवॉर्ड्स बांट रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, वो भी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो गिव अवे का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने समझाया है, वो ये कहते हैं आप फेसबुक पे लाइक करो, मेरे ट्विटर पे लाइक करो, मैं इंस्टाग्राम पे लाइक करो, गूगल प्लस पे लाइक करो, यहाँ लाइक करो, वहां लाइक करो, उसको लेके ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फेसबुक पे परेशान करो, मुझे इंस्टाग्राम पे परेशान करो, मुझे वहां परेशान करो, मुझे वहां नहीं। मैंने कहा यूट्यूब पे बने रहो तो बने रहो, फेसबुक में सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है बैटरी के चार्ट शेयर करता हूँ, कभी कभी कैमरा के सैंपल शेयर करता हूँ, तो आपको क्या मिल जाते हैं। और फेसबुक में क्या होता है थोड़ा सा मैसेज सेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है, ताकि मुझे वहां पे सारे के सारे अनरीड मैसेज दिख जाते हैं और मैं अच्छे से उनको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। बाकी ट्विटर पे मेरा अभी कोई भी ऐसा नहीं है, बस ट्विटर पे सिर्फ जो है मेरे वीडियो शेयर हो जाते हैं, लेकिन मैं ट्विटर पे बिल्कुल भी उसको यूज ही नहीं करता हूँ। तो मेरा ऐसा ऐसी नहीं होती कि मैं सब्सक्राइबर को जोड़ूं, कनेक्ट करूं, ये करूं, वो करूं, बढ़ाऊं, ऐसा मेरा कोई भी विचार नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने उसको बोला है कि मैं गिव अवे नहीं करता हूं, मैं रिवॉर्ड्स दे रहा हूं, और आप देख लीजिए कि 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो मैं पूरे पूरे 10,000 रुपये के रिवॉर्ड्स दे रहा हूँ। अब देखते हैं हम कि 15,000 और 20,000 रुपये क्या होता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो मैंने कह दिया, ये आपके सामने है। टेक सॉल्यूशन, ये जो आपने बताया है fever.com का, इसको आप बिल्कुल मेरे फेसबुक पे एक बार डाल दीजिए, मैं इसको जरूर से चेक करके बताऊंगा। हरविंदर धोल कहते हैं कि मोस्टली टोरेंट साइट गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया इंडिया में। हरविंदर जी, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो साइट खोल लीजिए, cat.cr, cat.cr, ये ओपन है, मेरे पास तो चलती है, आपके पास भी चलेगी, ये कोई ब्लॉक नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इससे टोरेंट डाउनलोड करने के लिए। अभी दत्ता पूछते हैं कि अब आप कौन सा मोबाइल फोन रिव्यू करने वाले हैं। अभी मेरे पास जो रिव्यू पेंडिंग है वो रिव्यू पेंडिंग है Lenovo A2010 का, और यूनिक का एक कंपैरिजन वीडियो पेंडिंग है जो कि आने वाला है आज रात को या कल दिन में आ जाएगा। उसके बाद जो रिव्यू पेंडिंग है वो हमारा डीलेक्स का रिव्यू पेंडिंग है, उसके बाद मोटो एक्स का रिव्यू पेंडिंग है, और जो नया फोन आने वाला है वो फोन आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी J2, जो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था और हमने ऑर्डर कर दिया था, वो भी जो है वो आने वाला है। 1 घंटा हो गया जी बैठे बैठे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उफ, काफी लोग एक ही सवाल पूछते हैं, पता नहीं सब्र क्यों नहीं करते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। राहुल सोनी पूछते हैं मोटो एक्स प्ले और गैलेक्सी J7 में से कौन सा बेटर रहेगा। जी मोटो एक्स प्ले J7 से तो काफी अच्छा रहेगा। अमित सहनी पूछते हैं आप GTS का किया डाउनलोड करता है।
कैसे डाउनलोड किया? अमित सहानी, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अपने जो आपका जो कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे जाके उसकी जो है सेटिंग ठीक करो। आपके इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं आपको जवाब भी देना चाहता हूँ, लेकिन आपके कमेंट पे जवाब नहीं जाता है। आप अपने गूगल प्लस में जाओ, वहां पे सेटिंग में जाओ, और वहां पे जो ऑप्शन होता है कि एनी वन कैन कमेंट यू, उसको जाके ठीक करो। मैं तभी आपके कमेंट का जवाब दे पाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जाए कोशिश करता हूँ, लेकिन जवाब जाता नहीं आपके पास में। तो आप इसको जो है सुधार लो अपने गूगल प्लस सेटिंग में, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। और फिर भी आपको चाहिए तो आप मेरा कोई भी गेमिंग रिव्यू खोल लो, वहां पे मैंने अपने जो गेम्स हैं डाउनलोड, गूगल ड्राइव का एक लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैंने शेयर कर दिया आपके लिए, सभी के लिए, और बिल्कुल वो फ्री है। दिलीप परमार कहते हैं कि रेडमी नोट कैमरा और MI 4i कैमरा। जी, MI 4i का जो कैमरा है वो रेडमी नोट के कैमरा से तो काफी अच्छा है। K3 नोट वे Zenfone 2 लेजर, Zenfone 2 लेजर। आकाश पूछते हैं कि J7 में 2K और 4K वीडियो सपोर्ट करता है? जी हाँ, वीडियो सपोर्ट करता है, हमने चला के भी दिखाया था, एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वो देख सकते हैं। हाँ, एक सवाल है कि आसूस Zenfone 2 Go, एक्चुअली मैंने कल ही उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक की थी, तो मुझे इतना वो खास नहीं लगा है कि Zenfone 2 Go का क्या मतलब है रिव्यू करने का। कुछ भी तो उन्होंने इतना इम्प्रेसिव दिया नहीं है। 8,000 की कीमत में वो सिर्फ जो लेजर फोन है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसमें जो 2,000 की बैटरी दे रहे हैं उसमें लेजर फोकस भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है कि मैं गो को रिव्यू करूं, क्योंकि उससे बढ़िया तो ये है कि आप 2,000 रुपये लगा के वो ले लो बढ़िया वाला फोन, जेनफोन 2 लेजर ले लो। गो लेने का क्या मतलब है? मेरा जो फेवरेट पावर बैंक है वो है MI का पावर बैंक। मनु के लिए जवाब है ऋषभ शर्मा, कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर लगा लो, कोई भी आप चार्जर लगा लो, जब तक फोन सपोर्ट खुद से नहीं करेगा ना, उसका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेगा, फास्ट चार्जिंग नहीं हो सकती है। टेक टुगेदर, हमारे पास भी कोई अच्छा कैमरा नहीं है, हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो सब फोन से ही रिकॉर्डिंग करते हैं, और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो वेबकैम से हो रही है। तो आप देख लो कि क्या हमारा, हम हमारे वीडियो देख लो, हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं सब फोन से ही करते हैं। हमने एक कैमरा मंगवाया था ट्राई करने के लिए, लेकिन वो इतना बुरा था, दुनिया भर का काम बढ़ा दिया उसने, इसलिए हमको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। हाँ, हितेश वोरा जी के लिए सब जवाब है कि मोटो एक्स प्ले जो है वो गेमिंग और कैमरा की क्वालिटी में लेजर से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। काफी सवाल डुप्लीकेट आ रहे हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं दे चुका हूँ। तो आप ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको आपके सवाल का जो अच्छे से जवाब मिल जाएगा, तो आप चिंता मत करो। टेक टुगेदर पूछते हैं कि आपके बहुत अच्छा है तो आप जॉब क्या करते हैं? मैं जॉब जो करता हूँ वो भी मैं सपोर्ट की जॉब करता हूँ, मैं यूरोपियन कंपनीज के कस्टमर्स को सपोर्ट करता हूँ। उनका ईमेल आता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मैं ऑनलाइन पोर्टल में चेक करता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ। बस मेरा क्या नेचर ही सपोर्टिव रहा है, तो मैंने जितने भी जॉब किए हैं सब सपोर्ट की जॉब किए हैं, और अभी मैं जो है यूट्यूब पे और फेसबुक पे सपोर्ट ही कर रहा हूँ, आप देख लो। प्रेम श्रीवास्तव, आप जो आपके लिए जवाब है कि आप जो है मोटो G3 ले लीजिए, मोटो G3 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, 13,000 में आपके लिए वो बेस्ट फोन रहेगा। तो बस आज के लिए इतने ही सवाल हैं, और मुझे कोई सवाल मिल नहीं रहा जिसका मैं जवाब दे सकूं, सभी जो है रिपीटेड सवाल आ रहे हैं बार बार, तो मैं उनको स्किप कर रहा हूं, और आपका भी टाइम समय बचा रहा हूं, और मैं जो है मेरा भी समय बचा रहा हूं। एक सवाल है मयंक गोयल का, यू यूनिक और माइक्रोमैक्स कैनवस एक्सप्रेस 2 में से कौन सा अच्छा हो सकता है? तो मेरे हिसाब से यू यूनिक जो है वो एक्सप्रेस 2 से काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो एक्सप्रेस का जो कैमरा है सिर्फ वही अच्छा है, और मुझे एक्सप्रेस 2 में कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। बैटरी जो बोली 2500 mAh की, वो बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, लेकिन यूनिक की अगर 2000 mAh की बैटरी है तो वो उसको जस्टिफाई करती है और अच्छा से उसको सपोर्ट कर देती है। लेकिन एक्सप्रेस 2 तो जैसे मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, आप सुन लीजिएगा फिर से एक बार। शुभाजीत बैनर्जी कहते हैं कि मैं मोटो G2 यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे G3 में अपग्रेड करना चाहिए? शुभजीत, मैं तो यही कहूंगा कि आप बिल्कुल, अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए, 6 महीने आप वेट कर लीजिए, और मैं कहूंगा कि आप जो है इस बार मोटो जी से G3 की जगह आप किसी और फोन में जाइए, यानी कि मोटो एक्स प्ले में जाइए, या फिर आप जो है किसी MI के फोन में जाइए। मेरे हिसाब से जो है थोड़ा आपको एक्सपीरियंस चेंज करना चाहिए, वो आपको ज्यादा जो है अच्छा लगेगा। जोश वीपी कहते हैं कूल पैड Desert 1 की सर्विस कैसी है बेंगलोर में? एक्चुअली मुझे मैंने यूज ही नहीं किया है सर्विस का कोई भी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब फोन लेता हूँ तो मैं ऑनलाइन कंपनी से लेता हूँ, और मैं उनसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि मुझे सर्विस सेंटर ना जाना पड़े। तो आज तक तो वो कृपा है भगवान की कि मुझे जाना नहीं पड़ा सर्विस सेंटर, लेकिन अगर कभी जाना पड़ा और बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो मैं आपके साथ में जो है जरूर से शेयर करूंगा। यश गुप्ता कहते हैं कि 15,000 की रेंज में 2-3 साल चलने वाला फोन दो। तो देखो, 2-3 साल चलने वाला फोन अगर लेना है तो आप मोटरोला का ले लो, और उसको आप बहुत संभाल के साथ में रखो। लेकिन अगर आप आज की टेक्नोलॉजी की जनरेशन में आप सोचते हो कि आप ऐसा फोन ले लो जो 2 या 3 साल चल जाए, तो आप बहुत ही कुछ ज्यादा उम्मीदें रख रहे हो फोन से। मेरे हिसाब से तो आप 10,000 का फोन लो, साल भर चल जाए, 1.5 साल चल जाए, बहुत बड़ी बात है, अब नया फोन लो। दीपक विराट कहते हैं कि Zenfone 2 4GB लूँ या सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 लूँ? जी हाँ, अगर आप नोट 4 की प्राइस की बात करें तो 14,000 रुपये में आपको स्नैपडील पे मिल रहा है, तो Zenfone 2 4G के ऊपर तो जो गैलेक्सी नोट 4 है वो अच्छा ऑप्शन है, तो आप ले सकते हैं, बशर्ते कि बस आपको दोबारा स्नैपडील के पास ना जाना पड़े, तो उस केस में आप जो है वो ले सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब मैं नीचे से कुछ ऊपर की तरफ सवाल लेता हूँ। सबसे आखिरी सवाल जो आया है वो निखिल का है, 25,000 की रेंज में कौन सा बेस्ट फोन है?
25,000 की रेंज में अगर आपको फोन लेना है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, मोटो एक्स प्ले आने वाला है, आप वो ले सकते हैं। इनफोकस M2 और यूनी यूनिक में तो कौन सा, देखिए अगर आपको फ्रंट कैमरा अच्छा चाहिए तो आप इनफोकस M2 ले लीजिए, अगर आपको फ्रंट कैमरा नहीं चाहिए तो आप यू यूनिक ले सकते हैं। कुशल दत्ता कहता है कि मैंने ब्लूटूथ स्पीकर लिया स्नैपडील से, तो क्या वो रिप्लेस करेंगे? जी हाँ, ये ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह के मामले में वो कर सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। खुशप्रीत सिंह कहते हैं 1+2 बेटर और 1+1, 1+1 मेरे हिसाब से बेटर है, हमने कंपैरिजन वीडियो किया है, आप जरा देख सकते हैं कि वो किस तरह चलता है। पुनीत पटेल जी, हम लाइव सेशन जो है पहले ही 1.5 घंटे का कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम सारा दिन लाइव सेशन ही करते रहें? कोई भी नहीं करता है 1.5 घंटे का लाइव सेशन। आप मुझे बता दो, यूट्यूब पे कोई अगर ऐसा बंदा है जो हर वीक में 1.5 घंटे का सेशन करता है तो आप बता दो, मेरे से ज्यादा लंबा कोई सेशन करता ही नहीं है। टेक सॉल्यूशन पूछते हैं कि आपका जो फेवरेट यूट्यूब चैनल है वो कौन सा है? मेरा जो फेवरेट यूट्यूब चैनल है वो है nishamadhulika.com, आप जाके चेक करो, आपको पता लग जाएगा क्यों फेवरेट है। प्रियंक श्रीवास्तव कहते हैं कि A7000 पसंद आया है, 10,000 में ले लूं क्या? प्रियंक, 10,000 में आप अगर लेने वाले हैं तो आप आसूस ZenFone 2 लेजर लो, वो ज्यादा अच्छा है A7000 से। तो सुहास पाला कहते हैं कि मोटो G3 और K3 नोट में से कौन सा अच्छा है? जी मोटो G3 अच्छा है K3 नोट के ऊपर। तो 6,000 रुपये की रेंज में कौन सा फोन अच्छा रहेगा, शुभम पूछते हैं। तो उनके लिए जो है दो ऑप्शन है, इनफोकस M2 3G वर्जन और या फिर जो है यूनिक। खुशप्रीत सिंह पूछते हैं कि आप मैरिड हैं? जी हाँ, हम मैरिड हैं और 4 साल होने वाले हैं नवंबर में। कंपेयर Redmi 2 Prime बैटरी विद ZenFone 2 लेजर, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है साहब, कैसे कंपेरिजन करेंगे? Redmi 2 Prime में 2,000 की बैटरी है, लेजर में 3,000 की बैटरी है। ऋषभ जैन, 20,000 की रेंज में जो है मोटो एक्स प्ले सबसे अच्छा ऑप्शन है। निकी डी सेंटा, अच्छा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन iPhone 6s? कोई ओपिनियन नहीं है, जब तक नहीं आएगा हमारे हाथ में हम कोई ओपिनियन नहीं बताएंगे। खुशप्रीत सिंह पूछते हैं कि सर आप कितना कमा लेते हो YouTube पे? जी 2-3 लाख रुपए तो हर महीने मिल ही जाते हैं मुझे, इतना प्यार आप दे रहे हो, जोकिंग रे, मुश्किल से कोई 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं अभी महीने के। शुभम थ्रोट कहते हैं कि आप जो सेशन है वो 6 बजे नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी, बोलो आप कब करना है, 6 बजे करना है तो 6 बजे कर देंगे अगले अगले उससे। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ सबसे लास्ट कमेंट्स कुछ आए हैं तो। प्लीज सजेस्ट बेस्ट साइट टू बाय MI 4C इन चाइना। चाइना से अगर आपको बाय करना है तो वहां पर कुछ काफी साइट्स हैं, DHgate है जिससे आप बाय कर सकते हैं, गियर बेस्ट नाम से एक साइट है, बैंग गुड नाम से एक साइट है, जो कि आप जो वहां से चाइना से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना से बाय करके मैं इंडिया में मंगवा लूं, भूल जाओ, जितनी कॉस्ट है प्राइस की, आपको पहले तो 20-25 दिन लग जाएंगे फोन को आने में, पता चला 20-25 दिन के बाद तो MI 4 है इंडिया में ही लॉन्च हो गया, पता चला कि इंडिया में जो 15,000 का लॉन्च हुआ आपने मंगवाया वो पड़ गया आपको 20,000 रुपये का, तो ऐसी गलती मत करना। लेकिन अगर कोई जाके लाने वाला है वहीं से तो ले लो, वरना आप ये गलती मत करना कि मैं बाहर से मंगवा लूं जल्दी जल्दी में, सब्र का फल मीठा होता है ऐसा कहते हैं, सही कहते हैं। निखिल पिटकर पूछते हैं कि 1+2 दिवाली पे बिना इनवाइट के मिलेगा? निखिल जी कोई ले ही नहीं रहा है 1+2, बाढ़ आई पड़ी है 1+2 इनवाइट्स की, तो आप देख लो ना, हमने कल ही 100 इनवाइट बांटे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ले ही नहीं रहे लोग, उसको खराब कर रहे हैं बस कार्ट में ऐड कर करके, तो 1+2 मेरे हिसाब से कोई लेने का मतलब ही नहीं है। तो शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आज का जो सेशन हम यहीं पर ही क्लोज करने वाले हैं। एक और सवाल लेते हैं महेंद्र महेंद्रनाथ राव का, कैन आई चार्ज 1+2 विद फास्ट चार्जर? नो, इट विल नॉट चार्ज इफ यू हैव द फास्ट चार्जर, इफ यू ट्राई टू चार्ज इट वॉन्ट चार्ज अनलेस द 1+2 सपोर्ट, एंड 1+2 डू नॉट सपोर्ट एनी फास्ट चार्जिंग, बट द फोन कैन बी चार्ज विद द रेगुलर चार्जर फ्रॉम विद इन 2 आवर्स एंड 15 मिनट समथिंग, बट फास्ट चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। सो थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और जोर से बोलो जय माता की, जय हिंद, वंदे मातरम। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, हम मिलेंगे आपसे अगले शनिवार को शाम को 5 बजे, और हम कोशिश करेंगे कि अगले शनिवार की बजाय हम आपसे शुक्रवार को ही मिल लें, क्योंकि जो है गांधी जयंती है, गांधी जी को थोड़ा याद कर लेंगे और इसी बहाने आपसे जो है बात कर लेंगे। हमारी छुट्टी है तो आपकी भी छुट्टी होगी होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे शुक्रवार को 2 बजे मिल सकें, और अगर नहीं मिल पाए तो हम शनिवार को आपसे वही 5 बजे मिलेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा शर्मा जी टेक्निकल के साथ, और आखिरी में फिर से जय हिंद वंदे मातरम।